आज की इस वीडियो पर मैं आपको काइन मास्टर के ऐसे तीन सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप कह सकते हो तीन यूजुअल सेटिंग या फिर कह सकते हो तीन सेक्रेट सेटिंग। अगर आप एक काइन मास्टर यूजर हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। देखना इस वीडियो को लास्ट तक, इट्स मी कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हमें अपनी काइन मास्टर को ओपन कर लेना है इन सभी सेटिंग को करने के लिए, तीनों सेटिंग को करने के लिए। एंड काइन मास्टर ओपन करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पर सेटिंग वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको बाहर में सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें सेटिंग वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड हमें बिल्कुल नीचे आ जाना है, ठीक है। अब नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एडवांस एंड एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू एनीवे कर देना है। अब दोस्तों कंटिन्यू एनीवे करने के बाद हमें बिल्कुल नीचे आ जाना है एंड नीचे आने के बाद ये सबसे पहला जो सेटिंग है आप लोग देख सकते हो जहाँ पर लिखो अनलिमिटेड वीडियो लेयर। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी काइन मास्टर के अंदर लेयर सपोर्ट नहीं होता है या फिर लेयर ऐड नहीं होता है, लेयर की जगह पर पिक्चर आ जाता है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपके फ़ोन के अंदर ऑफ रहता है, अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड। तो हमें सिंपली इसे इनेबल कर लेना है। इसे आप जैसे इनेबल करोगे तो आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू एनीवे कर लेना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा सबसे पहला सेटिंग। अब दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरी सेटिंग की तरफ। अब दोस्तों हमारा दूसरा सेटिंग ये है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट हायर देन 30 FPS। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन के अंदर हो सकता है 30 FPS से ऊपर में आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। यानी दोस्तों जब आप वीडियो एडिट करते हो काइन मास्टर के अंदर एंड वीडियो एडिट करने के बाद जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ 30 FPS ही शो होता है, उससे ऊपर में आपको शो नहीं होता है, जैसे कि 48 FPS, इसके अलावा 60 FPS। तो बेसिकली इसलिए आपके फ़ोन के अंदर 60 FPS तक शो नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जैसे आप ऑन करोगे तो आपके काइन मास्टर के अंदर 60 FPS तक आ जाएगा। यहाँ पर आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हो, छोटा करके लिखा हुआ है एक्सपोर्ट फ्रेम रेट्स अप टू 60 FPS कैन बी सिलेक्टेड एक्सपेरिमेंटल। तो हमें सिंपली इसको ऑन रखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा दूसरा सेटिंग, ठीक है। अब चलते हैं हमारे तीसरी सेटिंग की तरफ। अब हमारा जो तीसरा सेटिंग है ये करने के लिए हमें सिंपली यहाँ से आ जाना है बैक, ठीक है। तो यहाँ से बैक आने के बाद हमें बिल्कुल ऊपर आ जाना है एंड बाहर आने के बाद यहाँ पर आपके एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, तो हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन के अंदर दोस्तों सिर्फ 1080 या फिर 720p शो होता है। जब आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ 720p या फिर 1080 शो होता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर मैं अपनी वीडियो को 2K क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हो, यानी दोस्तों 1440 रेजोल्यूशन में मैं अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकता हूँ काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिट करने के बाद। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है तो सिंपली हमें 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर रन एनालाइज नाउ ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप रन एनालाइज नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का लाइन आ जाएगा, ठीक है। जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको अपने फोन का जो डिस्प्ले है उसको ऑफ नहीं करना है एंड आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ भी नहीं करना है, ठीक है, जब तक ये लाइन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 या 3 मिनट लग जाएगा, तो यहाँ पर आप 2 या 3 मिनट वेट कर लीजिएगा, देन ये जो लाइन है कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये लाइन कम्प्लीट होने के बाद आपके फोन के अंदर भी आ जाएगा यहाँ पर ये रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन मेरे काइन मास्टर के अंदर शो हो रहा है उसी रेजोल्यूशन आपके काइन मास्टर पर भी आ जाएगा। तो ये था दोस्तों तीनों सेटिंग, मैंने आपको तीनों सेटिंग के बारे में बता दिया। तो ये तीनों सेटिंग आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप काइन मास्टर के अंदर वीडियो एडिट करते हो तो जो तीनों मैं सेटिंग आपको बताएं उन सेटिंग को आप मस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो भी आप काइन मास्टर के अंदर प्रोफेशनल एंड बेहतरीन वीडियो एडिट कर पाओगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।